नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस है। उसके पहले जानना चाहते हैं आपका पेपर कैसा हो रहा है, तो आशा करते हैं अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग जिस तरह जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो पेपर अच्छा जाना तय है। इसमें जो प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है लगभग उससे क्वेश्चन मैच करते हैं। पेडागॉजी के तो पेडागॉजी सिलेबस ही कितना होता है, तो उसमें से क्वेश्चन जो है वो अदल बदल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट में ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। दिया है, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को अपने सपने बता के फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अभी कोई स्टोरी आप प्रैक्टिस में अगर लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किसी को कोई स्टोरी सुनाइए, वो उतना ध्यान से नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वही कहानी आप वीडियो के रूप में उनको दिखाएंगे तो एकदम ध्यान से बौचक्के होके देखते रहेंगे। इसका मतलब यही है कि आप जो भी करना है तो आप उनको अपने उद्देश्य या सफल बताइए मत कि हमें करना क्या है, बल्कि उन्हें करके दिखाइए, तब उनको समझ में आएगा हाँ हम ये कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट दिया है जिसमें पैसेज पूछता है, तो चलिए देखते हैं पैसेज को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दिया फ्रिक्शन लैंड हियर स्टैंड फॉर, पैसेज में फ्रिक्शन लैंड की चर्चा की गई, उसमें पूछा गया फ्रिक्शन लैंड किसके लिए स्टैंड फॉर, मतलब उसमें चर्चा फ्रिक्शन लैंड मतलब होता क्या है। तो पैसेज में हम देखेंगे दिया गया है, पैसेज तो पढ़ लेते हैं। इन फ्रिक्शन लैंड देयर इज ए फैमिली विथ सम कंफ्यूजन एज यू विल सी, देयर इज रघु एज 15 एंड अदर्स ऑल ग्रोन, प्लीज विल समवन लेट मी ओवर बी ऑन माय ओन, रिजेक्शन रिफ्यूजल रघु रघु सा रेड, एम आई द परफेक्ट एट स्कूल आर द बेबी एट होम क्रेजी, व्हाट एडवेंचर्स बी टैंगर्स पापा सा द थ्रीट दे थिंक दे कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन, लुक एट योर क्लोथ्स लुक लाइक यू हैवंट बाथ एनी ईयर्स, कट योर हेयर यू लुक लाइक ए स्क्रीम, रघु वाज इन ए टीयर्स एंड व्हाट कैन आई लिव लाइक ए वना वी, आई वांट चेंज माय फ्रेंड लव इट एंड द गर्ल्स लुक लाइक एट मी, डेज पासेस बाय थिंग्स लुक्ड बेटर समटाइम्स वर्स, पापा देयर इज ए बैंड दैट वांट्स मी टू सिंग ए वर्स, ज्वाइन ए बैंड एल्ड फ्लेवर गेस्टर्न पापा You have surely gone mad. Think of career for things gonna be said. यहाँ पे हम देखेंगे पैसेज में क्या इन फ्रिक्शन लैंड इसको किसके रूप में दर्शाया गया, अर्थात इसकी मीनिंग को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ए मिस्टीरियस आईलैंड, क्या ये मिस्टीरियस आईलैंड है, तो ऐसी कोई चर्चा आईलैंड की उसमें करी नहीं गई है। ऑप्शन बी दिया कंफ्यूज फैमिली, उसमें दिया गया कंफ्यूज फैमिली, जो बच्चा रघु है वो खुद कंफ्यूज है कि क्या मैं स्कूल में सेफ हूँ, स्कूल में मुझे अच्छा मिलता है माहौल या फिर घर पे, क्योंकि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसको हमेशा बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, ये काम करो, ये काम नहीं करो, फिर वो डांटते हैं कि तुम क्या कभी नहाते नहीं, अपने कपड़े देखो कितने गंदे हो गया, ऐसा लग रहा है तुम साल में एक दिन भी नहीं नहाए हो, ऐसे उसके पापा उसको घर पे हमेशा डांटते रहते। तो वो वही सोचता है कि इससे अच्छा तो मुझे स्कूल में ही, क्या स्कूल में मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ या फिर घर पे रहता हूँ, तो खुद कंफ्यूज है। यहाँ पे क्या इन फ्रिक्शन लैंड का मतलब क्या होता है, एक कंफ्यूज्ड फैमिली, एक कंफ्यूज्ड फैमिली की चर्चा करी गई है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं सौ रेड इन लाइन फाइव मील, लाइन फाइव में सौ रेड की चर्चा की गई, उसमें देखते हैं लाइन फाइव कहाँ पे है, उसमें सौ रेड का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रघु सा रेड, इसके पर रिजेक्शन रिफ्यूजल, जब उसके पापा उसको डांटते हैं तो वो रिजेक्शन अपने आप को महसूस करता है, रिफ्यूजल मतलब धिक्कारता हुआ महसूस करता है, तो वो क्या कहता है रघु सा रेड, क्या वो गुस्से से देखता है, तो इसका मतलब क्या होगा गुस्से से। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन दिया गया वाज एंग्री वाज इन डेंजर वाज इन एक्साइटेड वाज इन नर्वस, क्या नर्वस है ऐसी कोई बात नहीं, एक्साइटेड इन डेंजर और वाज एंग्री, यहाँ पे देखे गुस्से की, क्योंकि अधिकतर हम लोग जानते हैं जब कोई गुस्सा होता है कहते हैं ना क्यों अपनी आंखें गुस्से के मारे इतना लाल किया, क्यों इतना चेहरा गुस्से के मारे लाल किया, तो अरसा रेड मतलब ही होता है कि गुस्से से, वाज एंगर रघु क्या तमा गुस्से में था, इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है वाज एंगर। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट ऑफ क्लैश बिटवीन रघु एंड हिज फादर,
यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उसके पापा और उसके में क्लैश नहीं करता था, अर्थात मैच नहीं करता था। तो यहाँ पे देखते हैं दिया गया ऑप्शन है डिफरेंट लाइफ स्टाइल। क्या लाइफ स्टाइल? तो लाइफ स्टाइल का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है डिफरेंट इंटरेस्ट। क्या रुचि अलग है? तो बच्चों की या पेरेंट्स की रुचि तो अलग रहेगी, क्योंकि बच्चे तो हैं बचपना करना जाने, और रुचि पेरेंट्स की रुचि मैच तो करनी नहीं है, यहाँ पे इतना ज्यादा मैच नहीं करता है, इसकी कोई बात नहीं की है। ऑप्शन सी दिया डिफरेंट फूड हैबिट्स। ऑप्शन डी दिया गया एज डिफरेंट। एज डिफरेंट तो है ही, यहाँ पूछा जा रहा है जो ऐसे क्या है क्लास मैच नहीं करता, क्या कभी पापा बच्चे की एज तो कभी मैच करेगी नहीं, तो उसकी बात नहीं करनी है। बात क्या है डिफरेंट फूड हैबिट्स, यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है डिफरेंट फूड हैबिट्स। उन लोगों के खाने के जो फूड हैबिट होती है, खाने के जो क्या होती है इच्छाएं होती है, वो अलग अलग होती है। पापा कुछ और कहते हैं लेकिन बच्चा कुछ और चाहता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विच लाइन शोज द डिलेमा फेस्ड बाय रघु। कौन सी ऐसी लाइन पोएम में बताई गई जिसमें वो रघु क्या कंफ्यूज है, खुद के अंतर अंतर्यात्मा में महसूस कर रहा है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे लाइन टू, लाइन फोर, लाइन सिक्स, लाइन एट। चलिए पैसेज में देखते हैं कहाँ पे वो डिलेमा महसूस कर रहा है। यहाँ देखिए दिया गया एज 15 अदर्स, यहाँ पे रिजेक्शन रिफ्यूज रघु सार एड। आई एम द परफेक्ट एट स्कूल, क्या मैं स्कूल में परफेक्ट हूँ स्वतंत्र हूँ, या फिर और द बेबी एट होम, क्या एक बच्चे के रूप में घर पे मैं स्वतंत्र हूँ परफेक्ट हूँ। यहाँ पे डिलेम्मा महसूस कर रहा है, यहाँ देखते हैं कौन सी लाइन होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठवीं लाइन में उसको डिलेम्मा महसूस करा रहा है कि आई एम द परफेक्ट एट होम या स्कूल। यहाँ पे पूछा है, वो खुद अपने अंदर डिलेम्मा महसूस कर रहा है, कंफ्यूजन। तो इसको यहाँ पे कौन सी लाइन में होगी, लाइन सिक्स में इसकी चर्चा की गई है डिलेम्मा। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द राइम इज राइम इन फर्स्ट स्टैंजा। राइम स्कीम क्या होती है फर्स्ट स्टैंजा में, उसको देखते हैं। तो राइम स्कीम होती क्या है, जो पैसेज की फर्स्ट लाइन जो होती है, कोई भी लाइन जो होती है जिसका लास्ट वर्ड अंत होता है, उसी से राइमिंग स्कीम का हम वर्णन करते हैं, निर्माण करते हैं। आप देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कौन सी राइम स्कीम है। चलिए पैसेज में देखते हैं कहाँ पे है फर्स्ट स्टैंजा। यहाँ पे देखेंगे फैमिली, लास्ट फैमिली, तो इसको हम ए से कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यू विल सी, सी है तो सी ए से मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम दूसरा नंबर देते हैं, बी कर देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरी लाइन जो वो भी बी या ए से नहीं मैच कर रही, तो इसको हम सी करेंगे, ये सी हो जाता है। लेकिन देखिए ग्रोन ओन, ये सी से मैच कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सी। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसमें क्या करेंगे, कौन सी राइम स्कीम है, देखिए ए बी सी सी। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहाँ पे ए बी सी सी कौन से ऑप्शन में है, उसको देखते हैं। दिया गया ए बी सी सी था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है ए बी सी सी यहाँ पे होगा फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम। अगला प्रश्न देखते हैं इन फ्लैबगेस्टेन पापा, क्या होता है फ्लैबगेस्टेन यूज फॉर, फ्लैबगेस्टेन मतलब होता क्या है वो पूछा जा रहा है। यहाँ देखते दिया गया है ये फ्लैबगेस्टेन यूज हुआ है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है। तो वर्ब क्या है, क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या नाउन है। यहाँ पे हम देखेंगे फ्लैबगेस्टेन मतलब होता है कि यहाँ पे वो विशेषता, मतलब क्या कहते हैं वो पापा की एडजेक्टिव क्या है, फ्लैबगेस्टेट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। फ्लैबगेस्टेन मतलब होता है सरप्राइज, सरप्राइज्ड होता है, या फिर शॉक्ड, शॉक्ड या सरप्राइज्ड, ये क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता क्या होता है, एडजेक्टिव को कहते हैं। यहाँ फ्लैबगेस्टेन मतलब होता है शॉक्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए रीजनल डायलेक्ट। यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन जो रीजनल डायलेक्ट को डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन ए स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर लैंग्वेज इन ए रीजन। ऑप्शन बी दिया गया है लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट ऑफ आवर कंट्री। ऑप्शन सी लैंग्वेज विथ ए स्क्रिप्ट ऑफ ए रीजन। ऑप्शन डी दिया गया द रिटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ ए रीजन। यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए सही होगा, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज इन रीजन। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, साइन लैंग्वेज होता क्या है। यहाँ पे देखते हैं साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ए ग्रामर, साइन लैंग्वेज हैज ए ग्रामर, साइन लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ गेस्टर। साइन लैंग्वेज क्या होता है, ओनली वन साइन लैंग्वेज यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, क्या पूरे संसार में केवल एक ही साइन लैंग्वेज का प्रयोग होता है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान देखते हैं ऑप्शन सी को देखते हैं साइन लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ गेस्टर, क्या होता है साइन लैंग्वेज, सेट ऑफ गेस्टर्स होता है।
ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इज, लैंग्वेज लर्निंग क्या है उसको देखते हैं। नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, तो नेचुरल एंड सबकॉन्शियस क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, इसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन। नेचुरल एंड सबकॉन्शियस लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ठीक उसका ऑपोजिट होता है, तो हम क्या करेंगे, डेलिबरेट एंड कॉन्शियस, यहाँ सबकॉन्शियस है जिसका कॉन्शियस करेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी यहीं पे सही हो जाता है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने थियरी जब पढ़ा रहे थे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, उसमें बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन किसे कहते हैं और लैंग्वेज लर्निंग किसे कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, What does it mean to use multilingualism as a strategy in a classroom? Multilingualism को classroom में strategic room में use करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको देखते हैं। Option A दिया, using the common language of learners for translating the content in English medium classroom। क्या English medium classroom में क्या करेंगे, बच्चों के common language का प्रयोग करके क्या करना है, translating को उसको translate करना सिखाना है English language को, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी दिया, मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, क्या करेंगे उसको, लैंग्वेज को क्या करेंगे, मेकिंग द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, लैंग्वेज लर्नर की लैंग्वेज को यूज करने का क्या सबसे तरीका है, वो यूज करके क्या सीखेंगे, टीचिंग लर्न, पढ़ना और पढ़ाना सीखेंगे, फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में वो अच्छे से सीख सकेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑफ लर्नर्स टू टीच लर्न लैंग्वेज एंड कॉन्टेंट सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन इंडिया, हिंदी लैंग्वेज के बारे में इंडिया में क्या सही है उसको बताए, हिंदी लैंग्वेज को इंडिया में किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, इट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्या नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की। ऑप्शन बी, इट इज द कॉमन सेकेंड लैंग्वेज इन एजुकेशन, तो ऐसा नहीं, सेकेंड लैंग्वेज की कोई चर्चा नहीं हिंदी के बारे में। इट इज द एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये तो एसोसिएटेड जो होगा ये तो इंग्लिश हो जाएगा, हम इंग्लिश के बारे में पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि इंग्लिश को किस रूप में जाना जाता है, एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उसके बाद देखते हैं हिंदी को क्या कहते हैं, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, कौन सी, हिंदी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होता है, हिंदी, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल नॉट एक्सेप्ट एज ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बाकी आपको तीनों को एक्सेप्ट करना होगा, तो हमारा देखते हैं ऑप्शन ए, कार्टून फ्रॉम ए मैगजीन, क्या मैगजीन में जो कार्टून दिया गया उसको। ऑप्शन बी, एन एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज पेपर, एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज पेपर में दिया उसको। ऑप्शन सी, एन एसे ऑन द COVID-19 रिटन बाय टेक्स्ट बुक राइटर्स। ऑप्शन डी क्या है, शॉर्ट स्टोरी बाय द वेल नोन राइटर प्रेमचंद। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी देखते हैं, एन एसे ऑन द COVID-19 रिटन बाय टेक्स्ट बुक राइटर, इसको क्या करेंगे, ऑथेंटिक मटेरियल्स के रूप में नहीं यूज करेंगे, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ए टीचर आस्क अ लर्नर ऑफ क्लास 8, अपने क्लास 8 के बच्चे से पूछता है, कोई अध्यापक है वो पूछता है, एज ए फॉलो अप टास्क ऑफ रीडिंग लेसन टू लिस्ट द इवेंट एंड आइडियाज ऑफ स्टोरी इन ए सिक्वेंस, व्हाट डज सी डू, वो क्या कर रहे, जैसे कोई लेसन दिया गया उसको क्या करे, उसके आइडियाज को, थॉट को और लिस्ट जो उसके इवेंट्स है सारे सीरियल वाइज में उसको दर्शाने के लिए बोल रही है, तो ये टीचर जो उसके साथ कर रही है कैसा, कैसी क्रिएटिविटी है, कैसी भूमिका निभा रही है। ऑप्शन ए, आस्किंग हर स्टूडेंट टू क्रिएट ए सब टेक्स्ट, क्या स्टूडेंट को कह रहे हैं कि वो एक सब टेक्स्ट का निर्माण करें। ऑप्शन बी दिया गया, आस्किंग हर स्टूडेंट टू रीड द स्टोरी अगेन, क्या स्टोरी अगेन दोबारा पढ़ने के लिए टीचर कह रही, तो ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन डी सी दिया, री इन्फोर्सिंग देयर राइटिंग स्किल, ऐसी भी कोई बात नहीं, राइटिंग स्किल को रीइन्फोर्मेंस नहीं कर रही है। ऑप्शन डी दिया गया, प्रमोटिंग देयर स्किल टू रिकॉल, क्या उसको याद करने के तरीकों को प्रमोट कर रही है, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन ए देखते हैं, आस्किंग आर स्टूडेंट टू रिक्रिएट ए सब टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट पढ़ाई है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो अपने बच्चों से कह रही है कि उनको एक सीरियल वाइज में सिक्वेंस में उसको लिखे
एक टेक्स्ट बुक का तैयार करी क्या, एक सब टेक्स्ट बुक का, मतलब जैसे हम लोग कोई लेसन पढ़ते हैं तो हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी लाइन को रटते नहीं है, जो उसमें मेन मेन थिंग्स होते हैं, मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा क्या तैयार होता है, उस टेक्स्ट के बारे में उसका सब टेक्स्ट तैयार होता है, जिसको हमें जैसे एग्जाम में भी देने जाना है, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं देखेंगे। जैसे अभी आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो जिस दिन आपका पेपर होगा उसके एक दिन पहले पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं रहेंगे, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग नोट किए होंगे वही पढ़ के आप लोग रिविजन करके जा रहे होंगे देने। तो यही है क्या, आस्किंग हर स्टूडेंट टू क्रिएट ए सब टेक्स्ट, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टीचिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इन लैंग्वेज क्लासरूम, भाषा क्लास किस भाषा की शिक्षा क्लास है उसमें कौन सा ऐसा सही नहीं है, ट्रू टीचिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ाने का कौन सा ऐसा तरीका नहीं, कौन सा ऐसा फॉलो नहीं किया जा रहा है। हमारा ऑप्शन देता है लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज्ड टू टीच ग्रामर, ऑप्शन बी लिटरेरी टेक्स्ट आर फॉर अप्रिसिएशन प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, लिटरेरी टेक्स्ट क्या एंजॉयमेंट के लिए होता है, और ऑप्शन डी दिया गया है। ऑप्शन सी है लिटरेरी टेक्स्ट आर इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन डी दिया लिटरेरी टेक्स्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। हमारा देखते हैं ऑप्शन ए क्या दिया गया, ऑप्शन ए लिटरेरी टेक्स्ट शुड बी यूज्ड टू टीच ग्रामर, लिटरेरी टेक्स्ट को हमें कैसे यूज करना चाहिए, ग्रामर को पढ़ाने के लिए लिटरेरी टेक्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देते हैं, रॉबिन्स रीड एन आर्टिकल फ्रॉम ए न्यूज़पेपर, रॉबिन एक लड़के का नाम है जो कि एक न्यूज़पेपर को पढ़ता है, न्यूज़पेपर में दिए हुए आर्टिकल को पढ़ता है, फिर उसके बाद सो एज टू प्रेजेंट द ओवरऑल आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट टू हिज ग्रुप द नेक्स्ट डे, फिर उसको क्या करते हैं सारे आइडियाज को उसको अपने अगले दिन प्रेजेंट करता है अपने ग्रुप में। वॉट इज हिज रीडिंग नोन है, वो जो जिस प्रकार से उस टेक्स्ट को आर्टिकल को न्यूज़पेपर से पढ़ा उस रीडिंग को किस नाम से हम जानेंगे, तो ऑप्शन दिया गया है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये कोई मतलब नहीं इसका। ऑप्शन बी है रीडिंग बियॉन्ड द लाइन्स, ये भी कोई इसका मतलब नहीं है। स्कैनिंग स्कीमिंग, यही दोनों में देखते हैं होता क्या था, हमने बताया था स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग वो चीज़ें होती है जब हम कोई चीज़ों को इतने तरीके से पढ़ते हैं कि जब तक हम जिस पॉइंट को नहीं खोज रहे होते, जिस पॉइंट को खोज रहे होते वो अगर जब तक नहीं मिल जाता तब तक स्कैनिंग चलती रहती है, तब तक चलते जैसे ही वो पॉइंट हमें मिल जाता तो हम स्कैनिंग बंद कर देते हैं, ये होता है स्कैनिंग। और जब स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग जैसे कोई कहता है सरसरी निगाह से इसको पढ़ लेना, तो कोई ऐसे स्टोरी दी गई उसको सरसरी निगाह से पढ़ के उसको समझ लेना क्या होता है, स्कीमिंग होता था। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है वर्ड्स वन रिकॉग्नाइज वाइल रीडिंग बट इज नॉट एबल टू यूज ऑन हर ओन, व्हाट इज द वोकैबुलरी नोन एज, यहाँ पे देखते हैं वर्ड्स वन रिकॉग्नाइज वाइल रीडिंग, पढ़ते टाइम ऐसे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज पहचान लेना क्या होता है, बट इट इज नॉट यूज ऑन हर ओन, लेकिन वो अपने लिए यूज नहीं कर पाती है। यहाँ पे क्या, व्हाट इज द वोकैबुलरी नोन है, इस वोकैबुलरी को किस नाम से हम जानेंगे, जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें जो कुछ शब्द ऐसे दिए हैं उसको हम समझ तो लेते हैं लेकिन हम उनको अपने यूज के लिए नहीं प्रयोग कर पाते हैं, तो वहाँ पे वो वोकैबुलरी जो है वो किस कैसी होगी, क्या एक्टिव होगी, तो एक्टिव नहीं होगी, एक्टिव जब होती है तो उसको हम अच्छे से याद कर लेते हैं, तैयार हो जाता है तो उसको हम अपने तरीके में अपने लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी देगा पैसिव, पैसिव ही होगा यहाँ पे, निष्क्रिय होगा, क्योंकि हमको स्टोरी पढ़ना है तो ये हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, स्टोरी पढ़ने का, न कि वहाँ वोकैबुलरी को रटने का, वोकैबुलरी बस वहाँ पे जो वर्ड्स दिए रहते हैं उसको हम समझते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा पैसिव वोकैबुलरी सही हो जाएगा, बाकी लिसनिंग रीडिंग ये सब का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आर, यहाँ जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को पेडागोजी का जो थियरी थी उसको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे बेसिक इंटरपर्सनल वोकैबुलरी क्या होती है, यहाँ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या, ऑप्शन ए यूजिंग लैंग्वेज फॉर हर एंड नाउ ऑन फैमिलियर टॉपिक्स, किसी फैमिलियर टॉपिक्स को क्या करेंगे उस लैंग्वेज को यूज करेंगे अपने लिए और उस टाइम के लिए, यूजिंग लैंग्वेज फॉर हायर ऑर्डर ऐसा नहीं है, यूजिंग लैंग्वेज टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऐसा भी नहीं, यूजिंग लैंग्वेज फॉर रिसर्च ऑन द टॉपिक रिपोर्टिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन, ये सब गलत है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए जो दिया गया है Using language for her and now and on familiar topics, हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को साथ में कहते हैं BICS,
इसको इसी नाम से जानते हैं, शॉर्ट में जानते हैं। अगला देखते हैं, विच अप्रोच टू राइटिंग गिव्स अ स्कोप फॉर लर्नर्स टू अंडर गो डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग इन ऑर्डर टू लर्न टू राइट। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन देगा प्रोडक्ट अप्रोच, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोसेस अप्रोच, ऑप्शन सी दिया गया है कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन डी क्या दिया गया है लेक्सिकल अप्रोच। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन देखते हैं बी प्रोसेस अप्रोच। ये क्या है, विच अप्रोच ऑफ राइटिंग गिव्स अ स्कोप ऑफ लर्नर्स टू अंडर गो डिफरेंट स्टेज ऑफ राइटिंग ऑन ए इन ऑर्डर टू लर्न टू राइट। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, प्रोसेस अप्रोच सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुल राहुल एक क्या नाम है, अरुल राहुल ए टीचर इन हिज ग्रामर क्लास। क्या कहते हैं ये टीचर है किस क्लास में, टीचर इन ग्रामर क्लास के टीचर है। इंट्रोड्यूस रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर को इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचित कराते हैं। आइटम्स वॉइस एंड टेंसेस फर्स्ट एंड मेक्स देम अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्म बिहेव्स एंड हाउ टू यूज इट कॉन्टेक्स्ट। कोई भी ऐसा क्लास है जिसमें वो टीचर के रूप में है, क्या करते हैं रूल्स ग्रामर्स को, रूल्स को इंडिकेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं टेंस को पढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं कॉन्टेक्स्ट उसको कैसे किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है उस टेंस को, इतना सब क्लास में बताया जाता है। उसके बाद ही देन गिव्स लॉट्स ऑफ टास्क फॉर लर्नर्स, फिर उसके बाद वो बहुत से एक्सरसाइज इतने बच्चों को देते हैं। फिर क्या होता है टू प्रैक्टिस द लैंग्वेज आइटम, फिर भाषा शिक्षण को क्या करते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऐसे शब्द बहुत सारे वाक्य देते हैं। व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर नोन एज, ये जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग ग्रामर का ये किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कंटेंट नॉलेज, ऑप्शन बी दिया गया प्रोसीड्यूरल नॉलेज, ये सब कोई नहीं होता है। ऑप्शन सी प्रोसेस नॉलेज, ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन डी देखते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये क्या होगा डिक्लेरेटिव नॉलेज के नाम से इसको जानते हैं। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, लर्नर्स रीड ए स्टोरी इन ग्रुप ऑफ फाइव। क्या करेंगे लर्नर्स रीड इन स्टोरी इन ग्रुप फाइव, फाइव ग्रुप बन रहा, इन ग्रुप फाइव में लर्नर्स क्या करते हैं रीड स्टोरी को रीड करते हैं। ऑप्शन बी दिया लर्नर्स राइट ए डायलॉग फॉर स्किल स्किल टू बी इनेक्ट इनेक्टेड इन एन इवेंट। ऑप्शन सी दिया गया है लर्नर्स इनेक्ट ए रोल प्ले ऑन द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन डी दिया गया लर्नर्स आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ दे टॉक लिसन टू। ऑप्शन यहाँ देखते हैं ए क्या दिया, लर्नर्स रीड ए स्टोरी इन ए ग्रुप ऑफ फाइव। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन एन इनपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग का बेस्ट क्या है, इनपुट बेस्ड टास्क क्या होगा, लर्नर्स रीड ए स्टोरी इन ए ग्रुप ऑफ फाइव। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो लैंग्वेज एजुकेशन का नहीं है, पार कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन नहीं है, क्यों यहाँ पे देखिए नहीं पूछा गया है, नहीं है। अब बाकी जैसे कि चार ऑप्शन दिया जिसमें से तीन ऑप्शन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट होगा, लैंग्वेज एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन एक ऐसा नहीं होगा, उसको देखते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये है, वेल विथ लेंथ ऑफ साउंड, ऑप्शन सी दे फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी देखते हैं एरर करेक्शन। जब हम लैंग्वेज ग्रामर को पढ़ते हैं, लैंग्वेज एजुकेशन को पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग लैंग्वेज के लिए किया, या लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं वेव लेंथ ऑफ साउंड, वेव लेंथ ऑफ साउंड का प्रयोग कहाँ पे किया है, देखिए यही नहीं है, इसमें यही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही पे सही होगा। कैसे सही होगा, वेव लेंथ ऑफ साउंड किसमें प्रयोग किया था, फिजिक्स की एक साउंड होती है वेव लेंथ साउंड, उसके लिए इसका प्रयोग किया था। बाकी ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी दिया फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी क्या एरर करेक्शन, ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया ये लैंग्वेज ग्रामर को लैंग्वेज एजुकेशन को सीखने के लिए उपयोगी होता है, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऑप्शन बी वेल लेंथ ऑफ साउंड ये नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि ये फिजिक्स की एक साउंड होती है, इसके लिए इसका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा साथ देने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।